हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एमके एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि दो ब्रांच, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों ब्रांचों में आपकी जो वैकेंसी RRB JEE की है उसमें प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितनी है, यानी कि आपकी UR, OBC, SC ST की कितनी वैकेंसी है, जिससे कि आपको ये सुनिश्चित हो सके कि आपको जो तुम्हारी कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसी हैं किस जोन से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जोनों की और सभी कैटेगरीज की वैकेंसी बताऊंगा, वो भी आपके केवल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखिए और बने रहिए अपने साथ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जो वैकेंसी हैं उसमें टॉप 5 वैकेंसी वाले जोन कौन से हैं, उन जोनों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी अपडेट मैं आपको देता रहूं इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि आपको जो मैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बताऊं, उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो किन किन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, किन किन डिपार्टमेंट में आप उसके जा सकते हो। हालांकि आपने ये नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, फिर भी मेरा बताना एक जायज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी हैं वो किन किन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग है, ये तो केवल आपका सिविल वालों के लिए है। इस ये वाला तो आपका सिविल वालों के लिए तो छोड़ देना। नेक्स्ट अपने यहाँ पे आपका ट्रैक मशीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ मांगी हुई हैं। तो ट्रैक मशीन इंजीनियर, ट्रैक मशीन और जूनियर इंजीनियर के लिए आप इसी के लिए एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसमें भी आपका यहाँ पे आपका 3 ईयर्स आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही डिप्लोमा मांगे हुए हैं, तो आप इस जो इस डिपार्टमेंट में भी बच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आपका 3 ईयर्स आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिप्लोमा है वो भी एलिजिबल है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी आप भर सकते हो। नेक्स्ट अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में एक SNT डिपार्टमेंट वो भी है आपका, इसमें भी आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही ब्रांच वाले इसमें भर सकते हो। यानी कि सीधी तौर पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल की जितनी वैकेंसी है जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है वही सारी वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी भर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी वैकेंसी एक समान जैसी ही है और सेम डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और तो सब अपने है ही नहीं काम की, जो अपने काम की थे वो मैंने बताया था आपका ट्रैक मशीन, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड SND डिपार्टमेंट, ये अपने 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आप वैकेंसी को देखकर अपना जॉन चूज कर सकते हो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज कि आपकी कैटेगरी वाइज किस जॉन में कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये थोड़ा सा कलेक्ट किया है प्रॉपर डाटा और जॉन वाइज निकाला है मैंने, ये आपकी जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ही है, केवल ओनली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ही है और किसी ब्रांच की नहीं है। नेक्स्ट जो ब्रांच की आएगी तो मैं हो सकता आगे वीडियो बनाऊँ और उसको बताऊँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ देख सकते हो यहाँ मैंने आपको जॉन डाला हुआ है, यहाँ मैंने UR के लिए, यहाँ OBC के लिए, यहाँ SC के लिए, यहाँ ST के लिए, यहाँ टोटल बता रखी है और ये अपने डिपार्टमेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले जॉन पे, अहमदाबाद जॉन, इसमें आपकी UR की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 123 जगह हैं, OBC की यहाँ पे 37 एंड SC की 31 एंड ST की यहाँ पे 117 एंड टोटल जगह यहाँ पे आपकी 208 हैं। नेक्स्ट जॉन अपने अजमेर, उसमें आपकी वैकेंसी 230 हैं UR की, OBC की यहाँ पे आपकी 121, SC की यहाँ पे 69 एंड ST की 34, टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे आपकी 454 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जोन है अपने यहाँ पे इलाहाबाद, इसमें से आपकी UR की 524, OBC की 230 एंड SC की 141, ST की 81 और टोटल वैकेंसी आपकी 976 है। ठीक है, नेक्स्ट अपना बेंगलोर, इसमें आपकी UR की 245, OBC की 121, SC की 71, ST की 33 और टोटल वैकेंसी आपकी 470 है। नेक्स्ट जोन है अपना भोपाल, उसमें आपकी 128 UR की, 76 आपकी OBC की, SC की आपकी 46
एंड एसटी की 24 और टोटल है आपकी 274। नेक्स्ट है भुवनेश्वर, इसमें से 63 वैकेंसी आपकी यूआर की, ओबीसी की 39 और एससी की 23 एंड एसटी की 13 और टोटल है आपकी यहाँ पे 138। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका बिलासपुर की, यहाँ आपकी 126 है आपकी यूआर की, 48 है आपकी 100 ओबीसी की, एससी की 31, एसटी की 19, टोटल है आपकी 224। चंडीगढ़ जोन से बात करते हैं तो 326 आपकी यूआर की, 169 आपकी ओबीसी की, 84 आपकी एससी की और 47 एसटी की, टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे 626। नेक्स्ट अपना चेन्नई जोन, इसमें 379 जगह यूआर की, 175 ओबीसी की, एससी की 97 और एसटी की 61 एंड टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पे 712 है, यानी कि 712 है। गोरखपुर से देखा जाए तो यहाँ पे 270 यूआर की, यानी कि 217 यूआर की, ओबीसी की 102, एससी की 62 29, एसटी की 410 टोटल वैकेंसी है गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है गुवाहाटी, यहाँ से आप देख सकते हो 152 आपकी यूआर की, 74 ओबीसी की, 38 एससी, 22 एसटी, टोटल 286। ठीक है, नेक्स्ट जोन है अपने यहाँ पे जम्मू की, यहाँ पे देख के बात करें तो 168 आपकी जगह यूआर की, 83 ओबीसी की, 50 आपकी है एससी की, 27 आपकी एसटी की, टोटल वैकेंसी आपकी 338 है, सॉरी 328। कोलकाता जोन की बात करें तो 549 जगह आपकी यूआर की, 335 आपकी ओबीसी की एंड 150 आपकी एससी की, 77 जगह एसटी की और टोटल आपकी 1111 है। मालदा की बात करें तो इसमें से 81 पोस्ट आपकी यूआर की, ओबीसी की 26, एससी की 29, एसटी की 14 और टोटल आपकी 150 है। नेक्स्ट है मुंबई जोन की, तो 509 यूआर की, 266 आपकी ओबीसी की, 132 आपकी एससी की, 80 एसटी की और टोटल यहाँ पे 987 वैकेंसी है आपकी टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मुजफ्फरपुर, तो उसमें से 21 पोस्ट यूआर की, 10 ओबीसी की, 5 एससी की, 2 एसटी की और टोटल आपकी 38 जगह है। पटना से बात करें तो टोटल यूआर की 98, ओबीसी की 51 और आपकी 32 जगह, एससी की और एसटी की 18, टोटल आपकी 199। रांची से बात करें तो 104 यूआर की, ओबीसी की 59 और एससी की 31 एंड एसटी की 17, टोटल वैकेंसी आपकी 211। नेक्स्ट जोन से बात करें तो सिकंदराबाद, यहाँ से आपकी 246 यानी कि 240 आपकी यूआर की, 115 आपकी ओबीसी की, 70 एससी की, एसटी की 39 एंड टोटल आपकी 470 वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जोन है अपना सिलीगुड़ी, यहाँ से आप देख सकते हो 30 यूआर की, 15 ओबीसी की एंड एससी 8 एंड 2 पोस्ट ओनली एससी एसटी की है और 55 टोटल जगह है। नेक्स्ट है अपनी तिरुवनंतपुरम, यहाँ से 32 पोस्ट आपकी टोटल यूआर की, 10 ओबीसी की, एससी की 10, 5 एसटी की एंड टोटल वैकेंसी आपकी 57 पोस्ट है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि ये आपकी वैकेंसी बायकाना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की है। ठीक है, और इसमें आपकी वैकेंसी यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक बताई गई है किस जोन में कितनी वैकेंसी है और अपनी कैटेगरी वाइज बताई गई है कि आपकी यूआर की, यूबीसी की, एससी एसटी की कितनी है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी को देख ले और अपना जोन चूज कर ले जिसमें आप इसको फॉर्म भरना चाहते हो। तो अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि टॉप फाइव जोन जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये आपके टॉप फाइव जोन है जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की आपकी ज़्यादा वैकेंसी है। तो पहला अपना यहाँ पे जोन है आपका कोलकाता, जिसमें से आपको टोटल वैकेंसी मैंने बताई है आपकी। ठीक है, और कैटेगरी वाइज मैंने आपको पहले बता दी थी, उसमें देख लेना, मैं टोटल बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की आप कितनी है, 111 है। मुंबई की कितनी है आपकी, यहाँ से 987 और इलाहाबाद की आपकी 976 और चेन्नई से आपकी 712 है और चंडीगढ़ की आपकी 626 है।
तो ये टोटल वैकेंसी हैं जो हाईएस्ट हैं, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए एलिजिबल हैं, उन्हीं के लिए आपकी वैकेंसी हैं बस। तो आपको जो जॉन अच्छा लगे वो जॉन आप चूज कर लेना। वैसे जहाँ पे आपकी वैकेंसी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, वहीं से फॉर्म फिलअप करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कम वैकेंसी पे बैठोगे तो आपको कम चांस मिलेगा, अधिक वैकेंसी बैठोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा चांस मिले, जिससे कि आप सिलेक्शन करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। तो मेरी बस यही राय है कि जहाँ आपकी वैकेंसी हैं, वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, वहाँ फॉर्म फिलअप करें और अपना सिलेक्शन लें। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक मुझे पहुँचानी थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, साथ में फ्रेंड्स को भी बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के, तब तक के लिए बाय।